सीहोर के बुदनी की एमआर इंडस्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद चार दमकल के वाहनों से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। गोदाम में बड़ी मात्रा में रखी थी रुई। आगजनी से तकरीबन 20 लाख रुपयों से अधिक के नुकसान की आशंका। दतिया की थाना सिविल लाइन पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। एक क्विंटल 35 किलो गांजे की खेती को भी जब्त किया गया। ग्राम काली पहाड़ी में गांजे की हो रही थी खेती। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीबन 11 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बनेडिया तालाब में 700 नावों को एक साथ पानी में उतारा गया। मछली पकड़ने के लिए जाल डालने एक साथ उतरी गई नाव। देपालपुर की 300 व बनेडिया की 400 नाव शामिल। जबलपुर के खमेरिया में कैलाश धाम के पास भी भोजनालय संचालक की हत्या का हुआ खुलासा। रास्ते में अभद्रता कर रहे शराबियों को रोकने पर की गई थी हत्या। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया खुलासा। दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले सचिव के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। पंचायत कार्य की जानकारी लेने पत्रकार ने लगाया था फोन। राफा ग्राम पंचायत सचिव पर धमकी देने का आरोप। अमरवाड़ा जनपद पंचायत कार्यालय सहित पुलिस थाने में सौंपा ज्ञापन। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, ट्राली ने सड़क पर चल रहे दो युवकों को रौंदा। दुर्घटना में घायल हुआ एक दूसरा युवक। भिंड देहात थाना अंतर्गत रेखा नगर जामने रोड की घटना, मौके से फरार हुआ चालक। घटनास्थल पर इससे पहले भी हो चुके हैं कई हादसे। उमरिया के पाली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कानून आने के बाद किसानों के ऊपर अत्याचार होने का लगाया आरोप। डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर भी जताया आक्रोश, आंदोलन की भी दी चेतावनी। विदिशा की सिरौंज तहसील के ग्राम चड़ाखेड़ी में वन विभाग की भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी मौके से नहीं हटे थे अवैध कब्जाधारी। कार्रवाई के दौरान मौके पर वन विभाग टीम सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। सिवनी की लखनऊ न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र भवन का हुआ लोकार्पण। जिला न्यायाधीश पीके शर्मा रहे मौजूद। क्षेत्र के करीब 302 गांवों में पहुंचेगी पैरा लीगल टीम। धार जिले की पीतमपुर के मैकविल फूड प्रोडक्ट कंपनी द्वारा बिना लाइसेंस के उत्पाद पैकिंग किए जाने पर हुई कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने लिए 12 सैंपल। जब्त किए गए माल की कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत की गई कार्रवाई। रीवा यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव बने संजीव सिंह। करहा जनपद सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति नईगढ़ी के सभापति भी हैं संजीव सिंह। 650 मत प्राप्त होने पर रीवा यूथ कांग्रेस के महासचिव पद पर हुई नियुक्ति। नईगढ़ी में जगह जगह हुआ स्वागत। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रंग बिखेर रहे कलाकार। बीती रात मुंबईया कलाकारों सहित स्थानीय कलाकार महिमादीप पटेल ने दी गीतों की प्रस्तुति। महोत्सव में शामिल हुए अभिनेता समीर धर्माधिकारी, दिलीप आर्य और अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में बुरहानपुर कांग्रेस का प्रदर्शन। हाथों में काली पट्टी बांधकर गांधी चौक पर दिया धरना। डीजल पेट्रोल सहित गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों एवं कृषि कानून के खिलाफ जताया आक्रोश। घरों के बजट बिगड़ने पर महिलाओं ने जताई नाराजगी। पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर रतलाम की आलोट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना के कारण आर्थिक मार झेल रही जनता से सरकार द्वारा मुनाफा कमाने का लगाया आरोप। कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सागर के जैसीनगर जनपद पंचायत में आयोजित हुआ किसान सम्मेलन। प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले किसानों को सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता। सुर्खी विधायक प्रतिनिधि हीरा सिंह बोले, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही कांग्रेस। कृषि कानून पर राजनीति करने का भी लगाया आरोप।